जबलपुर में कोरोना वॉरियर्स नर्स की कोविड से मौत हो गई। मृतक नर्स मेडिकल कॉलेज के कोविड 19 वार्ड में अपनी सेवाएं दे रही थी और बीते कुछ दिनों पहले ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। आज सुबह 40 वर्षीय कोरोना वॉरियर्स की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्सों ने राज्य सरकार से मांग की है कि मृतक नर्स को सम्मान पत्र के साथ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार के लिए काम कर रही नर्सों का बीमा करवाए। नर्स की जब अंतिम यात्रा निकाली तो पूरा मेडिकल स्टाफ एकत्रित हो गया। हालांकि कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए जबलपुर प्रशासन ने ज्यादा लोगों को अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होने दिया। कोरोना वॉरियर्स की अंतिम यात्रा मेडिकल कॉलेज से चौहानी शमशान घाट तक शहीद की तरह निकाली गई। सीमा विनीत का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा की ओर है। इन्होंने अपनी 30 साल की नौकरी इसी मेडिकल कॉलेज में दी है एज अ स्टाफ नर्स। अभी जब से कोरोना शुरू हुआ था ये कोरोना वार्ड की इंचार्ज थी, कोरोना पॉजिटिव हो गई मरीजों की सेवा करते हुए। आज आपके द्वारा स्थानीय प्रशासन और शासन से हमारी अग्रसर विनती है कि इन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान सर्टिफिकेट और 50 लाख की राशि नगद दी जाए या लिखित आश्वासित किया जाए और लिखित दिया जाए कि इनकी बेटी जब बालिक होगी 20 साल की होगी उन्हें इसी कार्यालय में नौकरी दी जाए। आपके माध्यम से ये हमारी प्रार्थना है माननीय शिवराज सिंह मामा जी से, हमारे कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय से। अगर ये किसी कारण नहीं होती है तीनों चीज़ तो हम पूरी समस्त स्टाफ नर्सेस काम नहीं करेंगे।